राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परमु शीतल माश्रयामि। राधा 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 वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना की परिपक्व अवस्था का बोध अंतःकरण की पवित्रता से है। पवित्रता का तात्पर्य है किसी भी द्वंद्व का अंतःकरण में प्रभाव ना पड़ना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि या मृत्यु ही का क्यों भय न हो, किंचन मात्र अंतःकरण पे परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए भजनानंदी महात्मा के हृदय में नहीं पड़ता, चाहे वो गृहस्थ महात्मा हो या वो विरक्त महात्मा हो। इस स्थिति को महात्मा कहते हैं जिसकी ऐसी स्थिति भजन में हो गई है कि किसी भी सांसारिक द्वंद्व का प्रभाव उसके हृदय को व्यथित, विचलित, दुखी नहीं कर पाता। यही उसकी सिद्धावस्था का स्वरूप है, क्योंकि आत्मस्वरूप में ना कभी विकार था, ना है, ना रहेगा। अंतःकरण की स्थिति से ही ये पता चलता है कि उपासक किस कोटि का उपासना में आगे बढ़ा हुआ है। तो हमें ये विचार पूर्वक सहना है। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर स्थिति आएगी। ये स्थितियां क्रिया से नहीं आती हैं, विचार से आती है। विवेक विचार से बहुत जल्दी अज्ञान का नाश होता है और हम सहनशील बन जाते हैं। सहनशीलता ही अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप महान बनते चले जाएंगे। ये बात विषया आनंद में लगे हुए भोगी पुरुषों को समझ में ही नहीं आएगी। त्याग से मन में जलन पैदा होती है। जैसे जैसे हम भोगों का त्याग करते हैं वैसे वैसे मन जलाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति मन में है। मन इंद्रियों के अधीन हो गया है, इंद्रियां विषयों में आसक्त हैं, इसलिए जलन बढ़ती जाती है। पर त्याग के साथ साथ यदि हमारा भजन भी चल रहा है तो भजन की शीतलता हृदय की अशांति को नष्ट कर देती है। जहां हृदय अशांति से रहित हुआ ऐसा सुख प्रकट होता है जो फिर विषयों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, जिसे निज सुख कहते हैं, जिसे भगवदानंद कहते हैं, जिसे परमानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य श्री आनंद को प्राप्त करना है, ना कि गंदे भोगों में अपने इस अमूल्य श्वासों को नष्ट करना। श्रीधाम वृंदावन परम करुणामय महापावन करने वाला है। कैसा भी कोई पतित क्यों न हो, जो धाम आ गया, धाम का आश्रय ले लिया, तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराता है। भगवान की कृपा, धाम की कृपा, नाम की कृपा। सबसे पहले नाम धाम रूप लीला में डूबे हुए जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग कराती है। ये नाम जप की अमोघ कृपा, ये भगवत कृपा, ये धाम कृपा कि हमें संत समागम मिला। अगर हम संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर लें तो ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये गंदी बातों से आपको निकलने में बहुत सामर्थ्य देंगी, क्योंकि ये महापुरुषों की अनुभूत वाणी, ये भगवान जो शास्त्र रूप में वर्णन किए हैं, ये उनकी वाणी है। भगवान जैसे सच्चिदानंद हैं तो उनका नाम भी सच्चिदानंद है, उनकी वाणी भी सच्चिदानंद है, उनकी चेष्टाएं लीलाएं भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक धाम का आश्रय, धाम का जितने मिनट घंटा दिन महीना साल हम वास कर सके, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो बड़े बड़े साधनों से पापों का नाश नहीं होता, धाम की वायु जब रज का स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो परम पावन कर देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावन विपिनु शरणापन्न में तम कदापि त्यक्तुम नारहस्य नारकात्यंधकूपे पतंतम अघः संघं प्रतिहत मतिम लंघिते साखिलाभां प्राज्ञं मन्यं त्रिजगतीन मामज्ञमन्योवतीह। हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं, यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा, मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं, ये जब जो चाहती हैं करवा लेती है। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि। ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणामय, आप मुझे मत छोड़ना। नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे, हमारे ऐसे आचरण हैं। अघाह संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम। अगर आज तक हम पीछे लौटकर सत्संग से प्राप्त विवेक से हम देखते हैं तो हमने सिर्फ भगवान के प्रति अपराध ही किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम। हे अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, मैंने सदैव आपका अपराध किया है। आपने मुझे मानव देह दिया, गर्भ में हमने वादा किया कि एक बार हमें निकालो इस नरक से, अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया, मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह। बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवती है, और मैं निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आपसे बनेगी, मेरे से नहीं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। श्री पाद कह रहे हैं ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत होकर के प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है। वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसिता ऐसा, क्योंकि उसने अब मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है तज चिंता चित चरण शरण रही भावी सकल मिटरी है। होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे कि भावी सकल मिटरी हैं, तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे, आप उसमें डूबोगे नहीं, दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए, वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है, यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जब मैं राम का नहीं था तो दरवाजे से भगा दिया जाता था, भूखा खड़ा रहता तो कहते थे इतना भागी है कि जो इसका थोड़ा भी सेवा या संग करेगा उसका नाश हो जाएगा। जन्मते ही माँ को मार दिया, सेवा में धाय माँ थी वो भी मर गई, पिता ने भी त्याग दिया था। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट ने ताज उतार के रखा तो ऐसे देखा कि जब राम का नहीं था तो कौरा नहीं मिलता था, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखता है। और ये तो बहुत छोटी बात हुई, अखिल ब्रह्मांडों का बादशाह स्वयं सेवक बना। जाओ शयन करते थे जिस कुटिया पे, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पहरा रहता, स्वामी सेवक बनकर खड़ा हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो? तुम कौन हो? क्यों चिंता में जल रहे हो? क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो? अय अविनाशी, तू सच्चिदानंद सुखमय है, तुझे कभी ये पार्थिव प्राकृतिक सुख शांति कभी नहीं दे सकते, कभी तू आनंदित नहीं हो सकता, बहुत जन्मों से भटक रहा है, छोड़ चिंता और चिंतामणि श्री हरि के नाम का चिंतन कर। गोस्वामी जी कह रहे, पायो नाम चारु चिंतामणि अब उर करते न खसई हो अबलो नसानी अब ना नशई हो। मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि का प्रभाव क्या होता है? जो सोचो वही हो जाए। क्या चिंतामणि मिल गई? बोले नाम, नाम रूपी। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे। हृदय रूपी हाथ से अभी चिंतामणि जाने नहीं देंगे, अर्थात रात दिन हमारी श्वास श्वास पे नाम चलेगा। भाग्य मिट जाएंगे जो अशुभ भाग्य है, पक्का। हर परिस्थिति आनंद उमगन में व्यतीत होती है उनकी जो भगवान के आश्रित होते हैं। सच्ची मानिए, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सब ही की आस, क्योंकि हृदय में वो आनंद प्रकट हो गया जिस आनंद की खोज हम बाहर विषयों में कर रहे थे। यदि आप नाम लेने लगे तो देखो नाम का कैसा प्रभाव है। जैसे किसी का नाम माधव, माधव तो जितनों का नाम माधव होगा कान खड़े हो जाएंगे, कौन बुलाया? चलो वो तो अल्पज्ञ है, उसकी श्रवणेंद्री पता नहीं सुने कि ना सुने। हम पुकारते हैं राधा माधव, तो जो राधा माधव हैं वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे, उसी समय सुन रहे हैं, उसी समय सुन रहे हैं। एक एक नाम तुम्हारा सुन रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। और ऐसे समय काम आएगा जब कोई काम नहीं आता, विश्वास मान लीजिए। करी है लाज नाम नाते की, ये बिनती मन धरी है। मेरी बिनती मान लो, हमारे प्रभु नाम जापक का पूरा भार स्वयं ले लेते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करता हूं, पार करने वाला बन जाता हूं, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है। कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है। बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख ये समस्या कब तक पिसते रहोगे। थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती है। इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा, विश्वास मान लो। करी है लाज नाम नाते की। देखो अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए। तत्काल यम पाश काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो। उन्होंने कहा आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, आपका पूछने का अधिकार मैं बता रहा हूं, मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते। किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया, क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा। करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। दीन दयाल बिरद साचो करी, हरि दारुन दुख हरि है। होई सोई हरि जो करी है। बहुत बार समझाया माता सती को, जब देखा कि भगवान के प्रति संशय नहीं जा रहा तो कहा जाओ परीक्षा लो जा करके, और आप वही है सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या चिंता करते हो, पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। हरि है ना, मेरे प्रभु है ना। होई सोई जो राम रचि, अब वो विधान मंगल भवन है, मेरे लिए कोई मंगल विधान होगा। चिंता नहीं करनी। चिंता कब नहीं करोगे, जब अस कही जपन लगे हरि नामा। ये अगर नाम जप नहीं है तो तुम चिंता से नहीं बच सकते हो। ये मन दंड देता रहता है, भावी कल्पना भय की कर, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये हो गया। वो जला रहा है, बेमतलब जला। कभी कामना में, कभी तृष्णा में, कभी वासना में, हर समय अशांत। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हृदय को कहाँ सुख का अनुभव होता है। सच्चे सुख का अनुभव अशांत पुरुष को नहीं होता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम दीन दयाल है। अगर आप नाम जप करोगे तो हमारी सारी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सिंघिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे सिया रही डरी है, ऐसे श्याम श्यामा थरुदे डरी के कौन बिचरी है। जैसे सिंहनी और सिंह के बीच में उसका सावक निर्भय रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम का शरणागत हर समय निर्भय रहता है, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है या वाणी जी का पद चल रहा है तो हमारे आसपास श्यामा श्याम है, हम उनके बीच में है। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, विशाखा सहचरी हरिराम व्यास जी। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरणागत को हर समय निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता ये छाई रहती है हृदय में। काहे को शंका करते हो, चिंता करते हो, शोक करते हो, भयभीत होते हो? क्योंकि तुमने शरीर का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया, पर ये सब अविनाशी नहीं है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा श्यामा श्याम करेंगे। तन विनाशी है, इसका विनाश होके रहेगा, पर तुम्हें परिचय मिल जाएगा अपने स्वरूप का तो तुम निहाल हो जाओगे, परमानंदमय हो जाओगे। सुनियत सुख मुनि बचन चहु जुग, हरि दोषन संघरि हैं, साधुनि को अपराध करत मधुकर शाही नताही गुदरी हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे सावधान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिसने हरि आश्रय लिया, हरि नाम जप किया, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्विकार हो गया, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे महान योद्धा हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, टिकाऊ भूमि नहीं है। यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी का लोक है, पर वो भी स्थायी नहीं है, वो विनाशवान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया में है। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र हरि शरणम, भगवान का आश्रय और नाम जप। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम, नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो ये काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेंगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना, साधुन को अपराध करत। यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोष तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे। काम क्रोध लोभ भ्रम, भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हो, किसी की निंदा ना करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती, ध्यान रखना। जैसी भक्ति भागवत बरनी, तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहनते करनी। ये बात समझो, हरिराम व्यास जी कह रहे भागवत का अर्थ होता है एक ग्रंथ भागवत, और एक होता है भागवत का अर्थ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको भी भागवत कहते हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो महाभागवत कहते हैं। जो भक्तों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है, बिल्कुल छोटे शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तदस्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त कर्म आपके भगवत समर्पित शास्त्र सम्मत हो और नाम जब चल रहा हो, नाम छूटने में व्याकुलता का अनुभव हो, यही भक्ति का स्वरूप है। इसी से समस्त देवी संपदा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जैसी भक्ति भागवत वर्णी, जैसी भागवत महापुरुषों ने भागवत ग्रंथ में वर्णन किया गया है, तैसी बिरले जानत, कोई बिरला जान पाता है, और मानत, जान करके उस मार्ग पे कोई बिरला चल पाता है। कठिन रहनते करनी, बड़ी कठिन है भक्त की रहनी और करनी। कथनी तो बहुत सरल है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर जो उपदेश कर रहे हो वही आपके आचरण में हो, ये कोई बिरला ही धारण करता है। महाराज हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, स्वामी भट्ट गुसाई अगणित मति करी गति आचरणी, प्रीति परस्पर करत न कबहू मिटे न ही की जरनी। ए भाई कोई भी हो, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, किसी भी ऊंचे पद पे बैठे हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। यदि आप शास्त्र के अनुसार भक्ति के आचरण नहीं कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो तुम्हारे हृदय की जलन कभी नहीं मिटेगी, तुम्हारे हृदय में प्रीति नहीं जागृत होगी, परस्पर वैर विरोध राग और द्वेष बना रहेगा। कोई भी हो, कहीं भी हो, जब तक शास्त्र सम्मत भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा, आचरणों में नहीं होगा, तब तक रंग नहीं आएगा। और रंग के बिना कह रहे मिटे न ही की जरनी, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। धन कारण साधन कर हरि पर धरि सेवा बन धरनी। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन कर रहे हैं। इन महापुरुषों को किसी से राग द्वेष नहीं है, ये बिल्कुल निर्विकार और निरपक्ष होकर बोल रहे हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हरि की सेवा, श्रृंगार और भजन, ये हरि को रिझाकर भगवत प्राप्ति के लिए है, पर हम इसको धन आदि मान आदि प्राप्त करने में प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए ना प्रेम प्राप्त होता है ना भगवत प्राप्ति। नहीं तो सीधा साधन है ये जो हरि सेवा है, हरि का नाम जप है, हरि का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, यही सिद्धावस्था को पहुंचा देता है। बड़े बड़े सिद्धों में यही पाया गया है। सनकादि में निरंतर हरि शरणम और भगवत चर्चा करते रहते हैं, भगवत रूप माधुरी दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हैं। यही हमारा साधन है, यही हमारी सिद्धावस्था है। यदि यही प्रीति पूर्वक होने लगे और कुछ चाह ना रह जाए, तो यही सिद्धावस्था की स्थिति में पहुंचा देगी। धन कारण, यदि हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं कि चार लोग रिझेंगे, भेंट चढ़ाएंगे, तो मार्ग बदल गया। यदि हम गान कर रहे हैं और ये कि चार लोग वाहवाही करेंगे और हमें नमस्कार करेंगे, हमारी कीर्ति होगी, मार्ग बदल गया। धन कारण साधन करें, हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फलाहार रह रहे हैं, जल पी के रह रहे हैं, दूध पी के रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, खड़े हैं या जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये बोर्ड में छप जाए कि मैं ऐसा हूं, संसार जान जाए कि मैं ऐसा हूं। तो हे भाई, मार्ग बदल गया, अविद्याग्रसित मार्ग हो गया। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं, ये अध्यात्म का मार्ग नहीं, ये महापुरुष कह रहे हैं। धन कारण करत साधन, साधन हो रहा है, पर उसका कारण है कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीन में से कोई लक्ष्य है, बात बिगड़ गई। सीधे हरि कीजिए, हरिजू के लिए हमारा नाचना, गाना, सेवा, कीर्तन अपने आराध्य देव के लिए। ये सत्संग स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, हम अपने स्वामी का जस, अपने स्वामी के सिद्धांत गाए बिना नहीं रह सकते। आप कृपा करके हमें अवसर दे रहे हैं, आप स्वयं आकर के बैठते हैं और अपने यश की से हमारी वाणी को पूर्ण करने का अवसर देते हैं। आप कृपा करके हमें हमारे स्वामी का अवसर गाने का सौभाग्य दे रहे हैं। धन कारण बहुत सुलझना है, नहीं तो यही दंभ हो जाएगा, भक्ति में दंभ रोग लग जाएगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत रसिक महापुरुष कह रहे हैं, धन कारण साधन करी हरि पर धरि सेवा बन धरनी। अगर आप यहाँ भी वास कर रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं या नाम कीर्तन कर रहे हैं, आपका लक्ष्य बदल गया। किसी ने एक प्रश्न किया था कि मैं नाम कीर्तन में जाता हूँ पर वहाँ अमुक धनराशि निश्चित करके जाता हूँ, क्या उचित है? हमने प्रार्थना की थी कि आप किसानी कर लीजिए, आप कोई और व्यापार कर लीजिए या आप मेहनत कर लीजिए, पर आप नाम रूपी धन से हरि को प्राप्त करने के लिए, हाँ हम कीर्तन कर रहे हैं हरि की प्रसन्नता के लिए, स्वाभाविक कोई तो वो हरि प्रसाद रूप है, हम उसका निश्चय मूल्य नहीं करेंगे। अमूल्य है भगवान नाम, अमूल्य है भगवत कथा, अमूल्य है भगवत सेवा। इसका हम प्रयोग लौकिक वासनाओं की पूर्ति में ना करें तो ये सीधे भगवत प्राप्ति करा देगी। ये महापुरुष जन किसी से द्वेष नहीं करते, ये आपको सावधान कर रहे हैं। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को, ऐसे हम सब छोटे बच्चे अज्ञानी हैं, चाहे जितनी अवस्था हो गई हो। यदि विषयानंद में सुख मिल रहा है तो अज्ञानी बालक की तरह तुम हो, अभी तुम्हारे अंदर विवेक नहीं आया है। जब विवेक आ जाएगा तो आपके मोह भ्रम का नाश हो जाएगा और समस्त विषयों से वैराग्य हो जाएगा। विषय वासना गई ना जहूं, छाण बिगुचे घरनी। ए भाई, तुम हरि के भक्त हो, अभी विषय वासना ही तुम्हारा प्रधान विश्राम स्थल है। सब साधन करने के बाद आपको विश्राम मिलता है। विषय प्रपंच वार्ता करना, विषय चिंतन करना, विषय भोग की क्रियाएं करना, तो तुम कैसे भगत हो? अभी तुम्हें भगवान का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई न कोई वो अन्य आश्रय, अन्य कपट है जो भगवान को प्रिय नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सहज प्रीति बिना परतीत नहीं, शिष्णोदर को भरनी। तुमने अभी हरि को अपना स्वामी नहीं माना, सच्चे दिल से, हृदय की बात कह रहा हूं। सब साधन एक तरफ और एक तरफ ये ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। हृदय से, हृदय से, हे हरि हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई इससे ज्यादा कोई पावरफुल मंत्र नहीं, सामर्थ्य नहीं। ये बात हृदय में आ जाए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी, ये हृदय में आ जाए। सहज प्रीति से कहते हैं, इसमें कोई बनावट। हमारे प्रभु को सहजानंद कहा गया है, हमारी श्री जी को सहजानंद वर्षणी कहा गया है। सहज में ही परम सुख प्रदान करने, हम सहज नहीं हो पा रहे। बस समस्या ये कपटी स्वभाव, छली स्वभाव, यही हमारे को सहज नहीं होने दे रहा है। अगर हम सहज में, ये बात सहज है, हमारा स्वरूप सहज है, शंकर सहज स्वरूप सम, हमारे आराध्य देव सहज है, आप क्यों नहीं सहज हो जाते? सीधी बात, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, अंदर से बैठा लो, अन्य भरोसा न करो, उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, देखो जीवन कैसे बढ़ता है आगे। सहज प्रीति बिना प्रतीति नहीं, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि सहज में तुमने बहुतों को अपना मान रखा है। ऐसे ही प्रभु को भी बोल दिया कि हे प्रभु मैं आपका हूं। वैसे ये भी मंगलकारी है, पर अंदर प्रभाव तब पड़ेगा जब अंदर हृदय में बात उतरेगी। तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी पहचान बोले आगे बढ़। शिष्ण और उदर, इनकी तीव्रता बनी रहेगी। उदर का रसेंद्रिय से संबंध है और शिष्ण जनेन्द्रीय कहते हैं, जो काम से संबंध रखता है। ये दो इंद्रियां आपकी बहुत व्याकुल आपको करेंगी यदि आप भगवद आश्रित नहीं हो। हृदय से काम के प्रति पूरा ब्रह्मांड जितने भी हैं, जब तक भगवद आश्रित नहीं हुआ तब तक वो सावधान नहीं हो सकता। बहुत बड़ा खिलाड़ी है कामदेव, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ऐसी महीन सूक्ष्म वृत्ति से फंसा के गिराता है कि जब गिर जाता है देखता है अरे हम तो समझ रहे थे, हम तो निकल गए, कहां खड़े हो गए, ये चूक कैसे हुई? कोई ना कोई अन्य आश्रय है। नहीं, भगवद आश्रित के सामने ऐसे आ जाते हैं भगवान। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। कई बार मन की चंचलता को देखा है और भगवान की कृपा को देखा है। बचपन से इसी मार्ग में ना, देखा है इस बेईमान की बेईमानी को और देखा है भगवान की कृपा को। विश्वास कीजिए, जब तक रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहती है और जनेंद्री भोग भोगना चाहती तब तक भगवदानंद का लेस नहीं प्रकट हुआ। और जिस दिन भगवदानंद के लेस की बात जाने दो, लगन लग जाएगी तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई। पर यह अहंकार हमें चकनाचूर कर देता है। जैसे एक साधक आए थे, उन्होंने कहा 6 महीना से आपका सत्संग सुनता हूं, काम पर हमने विजय प्राम का, भैया शांत रहे शांत रहे। अरे जिनकी 60-60 हजार वर्ष की समाधि जल में लगती है, मछली की क्रीड़ा देख के 50 ब्याह करते हैं, तू तो 6 महीना से सत्संग सुन रहा है। सौभरी ऋषि, यही वृंदावन की बात है, यहीं पास में ही महाराज यमुना जी में जल स्तंभित करके जो निर्विघ्न भजन करने की भावना, एक मछली की, ऐसा नहीं कि मछली का ऐसा अंग है कि देख के काम जागृत हो जाएगा, बस देखा कोई सुख है, बस देखा, देखते ही काम ने अपना प्रभाव दिखा दिया। एक महात्मा हड्डी मात्र शरीर में रह गई थी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने वर्णन किया। ऐसे महान तपस्वी के वृक्षों की छाल पाते थे, सूखी भई हरी छाल भी नहीं, वृक्ष को कष्ट ना हो, सूखी पपड़ी लेकर उससे प्राण पोषण करते। महात्माओं ने बहुत बहुत कष्ट सह करके जिस परम तत्व को अनुभव किया वो ऐसे सहज में बातों में मिल जाता है, अगर स्वीकार कर लो तो इसकी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। बहुत वर्ष हो गए उनको ऐसे तप करते हुए, कोई विकार हृदय में नहीं। अब जंगल में एकांत रहते थे, अहंकार को पुष्टता मिलने का ये अवसर मिल गया कि वृक्ष की सूखी हुई पपड़ी वही पाना, वलकल की लंगोटी लगाना, एकांत सेवन करना। अहंकार जब बढ़ता है तो सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते, मिटिया मेट कर देते हैं। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। अब वो अहंकार बढ़ने लगा, जहां अहंकार बढ़ा तहां विकार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन कामदेव प्रकट हुए साधारण वेश में और कहा, महाराज आप ऐसा न समझे कि सब विकारों पर विजय प्राप्त कर ली। चिंगारी अगर दबी रह जाए तो ऐसा न समझो कि आग नहीं है, अगर फूस मिल जाए और हवा बन जाए तो ज्वाला की आपको वृत्ति का दर्शन हो जाएगा। अभी वो चिंगारी पर फूस मिल जाए, हवा का सहयोग हो जाए तो ज्वाला का दर्शन करा देगी वही चिंगारी। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक चिंगारी रहती है, और अगर फूस मिल जाए ना, देवर्षि नारद जी ने कहा पहले तरंग की तरह होता है, फिर समुद्र की तरह छा जाता है विकार। तो उन्होंने कहा, अरे जाओ क्या बात करते हो, मुस्कुराए और कहा सावधान रहना, और चले गए। वो ये नहीं जान पाए कि साक्षात कामदेव था। दृश्य बदलने लगा, जहां जहां से वृक्षों से पपड़ी लेते थे अब वहां घी का बढ़िया मेवा पड़ा हुआ हलवा चिपका दिया। वो देखा कि मेरे तप के भय से ये वृक्ष पपड़ी की जगह कुछ खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं, मेरा प्रभाव, क्योंकि अहंकार बढ़ चुका था। तो जवान से चाटा तो जहां सूखी पपड़ी खाने वाली जवान, वहां मेवा से मिक्स हलवा, एकदम देसी घी का। अब इतना हलवा, उनका बड़ा प्रभाव तप का। दूसरे दिन देखा कि कई वृक्षों में, अब बोले पूरा वन मेरे अधीन है। अब कई जगह चाटा तो 200-250 ग्राम तो हलवा पहुंच ही गया। अब हड्डियों में चिकनाहट आने लगी, रक्त बढ़ने लगा, मांस बढ़ने लगा। रोज उनको बस यही आभास होता कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसा खाद्य पदार्थ प्रकट कर रहे हैं। एक दिन वो जब गए तो हलवा नहीं लगा हुआ था उसमें, तो कहा आज क्या हुआ, तो देखा कि छमछम की आवाज आ रही नूपुरों की। तो उधर देखा तो एक स्वर्ण के कटोरा में लिए हुए एक नवयुवती आ रही। तो कहा तू कौन है, तो कांपने का नाटक, महाराज मैं आपसे बहुत भयभीत हूं। क्यों, आज विलंब हो गया। किस बात का, मैं ही ये तो हलवा लगाती थी। अच्छा तुम हम पे इतनी श्रद्धा करती हो, तुम डरो मत, निर्भय हो जाओ, लाओ कटोरा। पूरा हलवा। अब वो इतना स्वादिष्ट, क्योंकि अहम का ऑपरेशन होना था। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममताति भूरी। अब जब हाथ से हलवा लिया और पाया, अब वृक्षों में नहीं लगता, एक झोपड़ी पर्णकुटी थी, मैं कुटिया में पहुंच गया, सामने हलवा का कटोरा, हो नवयुवती और कोई नहीं, साक्षात काम महाराज। अरे थोड़ा बैठो तो, कहाँ से आती हो तुम, बड़ी श्रद्धा हम पे रखती हो, रोज देख रहे हैं इस जंगल। महाराज जब से आपका तप प्रभाव हमने सुना यहाँ के सब ऋषि महात्मा, तब से मैं न्योछावर हो गई हूँ आपको, आपकी चरण दासी हूं, बस आज्ञा के लिए मैं इंतजार कर रही हूं, कभी सेवा का अवसर। इतना समर्पित हो तुम। हाँ, कोई परिवार में बस एक बूढ़ी माँ है, तुम्हारा ब्याह हुआ? महाराज नहीं, ब्याह नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर हम चाहें तो? बस बस महाराज, मैं समझ गई, मैं तो आपकी दासी हूं, आप चाहो भर, मैं तो सेवा में ही हूं। अब उनके हृदय में तपस्या फलीभूत हो गई, इतनी सूखी पपड़ी खाई, देव सुंदरी हमको अब मिलेगी, और रोज ऐसे हलवा नहीं। बड़ी बड़ी कृपा, कृपा को भी संभाल कर देखना। अब वो तो फिर शास्त्रीय पद्धति से वन को हम साक्षी मानकर देवताओं को तुम्हारा पाणि ग्रहण संस्कार स्वीकार करते हैं। महाराज एक शर्त है, घुटने के बल हो हमारी माँ तक चलो। माँ बड़ी जिद्दी स्वभाव की है, वो कहती है हम दूल्हा उसी को तेरा बनाएंगे जो तेरे अधीन होगा, और ये मुझे दिखाना है कि आप मेरे अधीन हो। बोले तो सब ऋषि मुनि जंगल के और जो भी हैं वो देखेंगे। महाराज अब अगर इतना आपको ये पसंद है कि हम आपकी सेवा में आए, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, और महाराज समय हम बताएंगे, अभी नहीं। और इसके बाद सब ऋषियों के यहाँ जाकर के सूचना दी कि हमारा पाणिग्रहण संस्कार उनसे होने जा रहा है, आप सब अपनी अपनी कुटिया से बाहर के देख लो। अब महाराज के ऊपर जैसे घोड़ा महाराज बन गए, बैठे, और ऐसे घुटनों के बल, वहां कोई माँ नहीं कोई। इसके बाद ऋषियों के सामने उतरे, 5 फूलों का बाण धारण किए हुए। बोले देखा, ये तो कहे कि तेरी विशुद्ध तपस्या तो मैंने भ्रष्ट तेरे को नहीं किया। जानता है मैं कौन हूं? ना मैं सुंदरी हूं, ना मैं वो बूढ़ा हूं, मैं साक्षात कामदेव हूं। महाराज कभी अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। भगवान का यदि दिव्य आश्रय है और नाम जप है, तो दैन्यता बढ़नी चाहिए, साधन पक्ष का अहंकार नहीं। अगर आपके अंदर भगवद आश्रय दृढ़ नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि शिष्णोदर की भरनी, ये दो बहुत शत्रु बड़े हैं इंद्रियां, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। ये ऐसे चौड़े पे मारते हैं जहां कोई बचाव पक्ष नहीं होता, केवल श्री भगवान होते हैं। इसीलिए एकमात्र भगवान का आश्रय, जे विधि होए नाथ हित मोरा। हमारी बुद्धि का क्या भरोसा, कभी किसी क्षण तो ऐसे वैराग्य में रहती हो, कभी किसी क्षण ऐसे भोग वासना में रहती, नहीं भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, जब तक भगवान के चरणारविंद का भरोसा नहीं होता, ये हमारी बुद्धि कभी भी धोखा दे सकती है। व्यास आस जौलग है, ताव लगी हरि ना। ये जब तक भोगों की आशा है, तब तक हरि का आनंद नहीं मिलता। बड़े बड़े बुद्धि के तर्क उपस्थित होते, तो कभी कभी हंसी आती है। ए भाई, सारी की सारी ये 3 गुणों से भरी हुई बुद्धि का तर्क है। अभी बुद्धि के अतीत तत्व का कोई परिचय नहीं, केवल बात ही बात, जो बात की बात है, अभी वहां नहीं पहुंचे त्रिगुणातीत में। सहज प्रीति तभी उत्पन्न होगी जब तक विषयों की आशा है, तब तक नहीं। सहज प्रीति के बिना हरि का विश्वास दृढ़ नहीं होता, हरि का अनुभव नहीं होता, और हरि का अनुभव हुए बिना ये विकार किसी को बख्शते नहीं है, क्योंकि ये भी हरि के बल से हैं, ये भी हरि के पार्षद हैं। कामदेव अवतार ले रहा है, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिए तो प्रद्युम्न जी के रूप में, प्रद्युम्न साक्षात कामावतार भगवान प्रद्युम्न, भगवान ही हमें बचा सकते हैं। इसलिए हम भगवद आश्रित होकर जैसी शास्त्र सम्मत भक्ति का वर्णन है वैसा हम स्वीकार करें, नहीं हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंस जाएगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीतामृत में हमको सावधान कर रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, कहते हैं भगवत प्राप्त है, उसी समय सुने हुए भोगे हुए किसी भी भोग की तेरे अंदर इच्छा ही नहीं रह जाएगी और तू परम वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह रूपी दलदल में फंसे हुए, हम निकली हुई बात कहते हैं तो एक शब्द निकलता है, पता चल जाता है फंसा हुआ निकली बात कह रहा है। ये पढ़ी लिखी बात से जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक रंग नहीं आएगा। आप मोह से पूर्ण रूप निकले हुए हैं, इसकी पहचान। न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ना कोई शोक और ना कोई इच्छा, अगर कोई इच्छा है अभी वो नहीं मिला जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रह जाता। श्री भगवान कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। मोह कलिल क्या है? कलिल माने होता है दलदल। मोह रूपी दलदल क्या है? श्री भगवान कह रहे हैं, इस शरीर में मैं और मेरापन हो जाना। बातें बनाना अलग बात है, शरीर राग हटाना बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खूब इसी को देखें जीवन भर, ये ढांचा ऐसा लगता है मैं हूं। अगर थोड़ी बुद्धि पवित्र होती तो फिर मेरा है, मैं से थोड़ा सा खिसकता है और बुद्धि में बात आती है मेरा है। अहमता और ममता पहला मोह का लक्षण, शरीर, मैं शरीर, मेरा शरीर, तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। फिर और मोह दलदल, मेरी मैया, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी भौजाई, मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, मेरी स्त्री, ये मेरा घर, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा पद, इसी का नाम मोह रूपी दलदल है। समझ लीजिए, श्री भगवान कह रहे हैं कारण इनमें अहमता और ममता समर्पित हो गई, स्वा स्वा समर्पित हो गया। ये इतनी जोर से मान्यता हो गई। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि जब हम मरेंगे तो अपने मम्मी पापा से मिल लेंगे जाके, तो हमने कहा था नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो पांच भौतिक देह तुम्हारे सामने ही नष्ट हो गया। अब वो जो जीव है शरीर में अहमता ममता के कारण तुम्हें पुत्र समझता था, अब वो हटा। जैसे आप पिछले जन्म का क्षेत्र नहीं जानते कि आप कौन थे, आपके कितने लड़के थे, क्या थे, कुछ पता नहीं, ऐसे ही शरीर छूटते ही इसकी स्मृति खत्म। जहां उसका संस्कार हो, इसीलिए कहा जाता है शरीर छूटते ही तुरंत भस्म करो, इस शरीर को नष्ट करो, चाहे गाड़ दो, जल में प्रवाहित कर दो या अग्नि के द्वारा, ऐसी क्रियाएं वर्णन हैं। अब तो प्राय या तो समाधि दे दी जाए या तो भस्म कर दिया जाए। जब वो जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन दोनों के साथ जाता है, अब उसके कर्म के अनुसार वहां भेजा जाता है। जैसे ऊपर के जितने सब मायामय लोग ही हैं पर पुण्य में हैं, वो बहुत पुण्यात्मा, याज्ञिक, धर्मशील, तो वो स्वर्ग की अलग अलग भूमिकाओं वाले प्रदेशों में जाता है। स्वर्ग जैसे मृत्युलोक, अब मृत्युलोक में अमेरिका भी है, आलैंड है, थाईलैंड है, भारत है। भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसा स्वर्गलोक कोई ऐसा नहीं कि एक गांव का नाम स्वर्गलोक है, ये मृत्युलोक कितना बड़ा है, ऐसे स्वर्गलोक। अब उसमें भी पितर लोक है। अब वो जो पितर भगवान के स्वरूप हैं, जैसे भगवान कहते हैं मैं पितरों में अर्यमा हूं, तो जो हम पिंडदान करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है जाकर के, वही पितर स्वरूप से वहां विराजमान है। अब वो जीव जहां गया है, यदि वो अपने कर्मानुसार नरक गया है तो आपका यहाँ दान पुण्य उनके प्रति किया हुआ उसको वहां प्राप्त होगा, वहां सहूलियत मिलेगी उसको। यदि वो स्वर्ग में गया है तो उसे प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत मरा तुरंत योनि प्राप्त हो गई, निर्णय होता है उसका। अगर वो पुण्यात्मा है तो स्वर्ग में अमुक समय तक सुख भोगेगा, पापात्मा है तो नर्क में। नर्क कोई इतना नहीं कि एक है, जैसे मृत्यु लोक ऐसे नर्क लोग, बड़े बड़े भयानक नर्कों की सृष्टि है। अब मानो आपका सुकृत श्रेष्ठ, आप अमुक लोक में अमुक प्रांत में, और आपका हे तो आप अलग, तो ये थोड़ी कि आप चले जाओगे वहां आगे आ गए मेरे बेटा। ये तो किसी महान का, जैसे दशरथ जी यहां शरीर छूटा तो स्वर्ग में परम पावन व्यवस्था में रह रहे थे, और जब भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की तो आकाश स्थित होकर के वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अस्थित हो, वो कहीं थोड़ी पांच भौतिक देह तो यही छीन कर दिया जाता है, यही अपने अपने तत्वों में मिल जाता है, और वो दिव्य नेत्रों से देखा जाता है। हाँ, फिर परिचय होता है। गोस्वामी जी दिव्य नेत्रों से देख रहे, दशरथ जी पधारे हुए भगवान से वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां महाराज पांडु के रूप में विराजमान है। जब नारद जी से भेजा कि जाओ कह दो राजसूय यज्ञ कर दे, सूक्ष्म शरीर देव शरीर वहां विराजमान है। अब हमारा शरीर छूटा हमारे कर्म के अनुसार, अब वो किस लोक में जाएगा, पिता किस लोक में पहुंचा है, पिता कहां है, ये निर्णय अव्यक्त है, इसको नहीं बताया। पर मिलान नहीं हो सकता, मिलान ये हो सकता है कि पिता के जैसे कर्म के अनुसार जो गति हुई वही तुम्हारी गति हो तो वहां पहुंच जाओगे, पर वहां उन सूक्ष्म शरीर में है, आप सूक्ष्म शरीर में हो, वहां संबंधों का विभाग नहीं है। ये मेरा बेटा आ गया, ऐसे संबंध मृत्यु लोक में माने जाते हैं। ये हमारा माना हुआ स्वा, माता पिता भाई भौजाई पुत्री पुत्र, एक सीमा में मान लिया शरीर में, पहले स्वा और फिर इनमें, इसी का नाम मोह कलिल है, मोह रूपी दलदल है। अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल घटना, बड़ा सुखद। प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, बड़ा दुखी उद्विग्न अशांत, यही मोह दलदल है। विषमता, पक्षपात, मात्सर्य, कामादि विकार, यही मोह दलदल है। इस मोह दलदल में जब तक बुद्धि फंसी रहती है तब तक असली सुख का परिचय ही नहीं मिलता। अब आप देख लो, बातें बनाने का नहीं है कि ज्ञान की बातें पढ़ ली और हम बातें बना रहे हैं। मोह रूपी दलदल से सदगुरु निकालता है, निकला हुआ महापुरुष। जैसे दलदल में आप फंस गए हो, अब आप जो चेष्टा करेंगे, भारी दलदल है तो उसमें धंसना होता है चेष्टा से, इसलिए बिना चेष्टा के रुके रहो, कोई निकला हुआ आवे और हमको निकाल ले। तो सदगुरु जो भगवान है, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। ये महामोह रूपी दलदल से निकालने के लिए जिनकी वाणी सूर्य के समान है, सूर्य के समान प्रकाश किया, महामोह रूपी अंधकार का नाश हो गया। कौन है बोले गुरुदेव, कौन है बोले हरि ने कृपा करके गुरुदेव रूप धारण किया। अब मोह दलदल से निकलने का प्रयास क्या, तुम स्वयं चैतन्य घन भगवान के अंश हो। तुमने गलती से शरीर आदि में अहमता ममता कर ली। हमारे रसिक महापुरुष जन इसी को बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लखी वृंदावन चंदा। ऐ बावरे, तूने अपनी अहमता ममता इतनी फैला दी, इसी में फंस गया, महान दुख भोगेगा। क्या करो, ये अहमता ममता श्री जी के चरणों में दे दो। मैं श्री जी का, श्री जी हमारी, बस सिर्फ मैं श्री जी का, श्री जी हमारी, और इसी भावना का विस्तार कर दो। माता पिता भाई बंधु परिवार में कोई नहीं फंसा पाएगा। जिसे हम प्राय कहते रहते हैं भगवत भाव से सबका सेवन करो, ममता युक्त नहीं। ये ममता वो जहर है जो आपको जन्म जन्मांतर के चक्र में फांसता चला जाएगा। और सच्ची मानो कोई नहीं, 100 घड़े हैं, प्रतिबिंब सूर्य का एक का ही पड़ रहा है, एकमात्र भगवान ही सबके हृदय में, वही चैतन्य घन चेतना कर रहे। उन्हीं को देखो तो बच जाओगे, बाहरी रूप को देखकर फंस जाओगे। कैसे बचे? तो रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति अस गाओ हरसाओ, हित सो रिझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ नर देही तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ए भाई बहुत बढ़िया अवसर है मोह रूपी दलदल से निकलने का। गोस्वामी जी कह रहे मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, करम बचन अरु जीते मन पछतई है अवसर बीते। आखिरी पंक्तियों में कह रहे तुम यहां फंस गए। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु स्नेह सवीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते मन पछतई है। ये संबंध नहीं, भगवत संबंध सब में अपने प्रभु को। ये केवल भाव बदलना है, कहीं भागना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, भाव बदलना है मेरे प्रभु। और सच्ची बात, मुक्त हो जाओगे सारे दुखों से, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। ये शरीर जड़ पदार्थ है, जड़ है जड़। जैसे दीवार देख रहे हो, पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि और ये शब्द है। कहीं भी ठोको शब्द, शब्द आकाश का गुण है, आकाश तत्व 5 तत्वों से बना हुआ ये है। और इसमें भी भगवान है, 5 तत्वों से बना हुआ ये है, इसमें भी भगवान है। कोई अंतर नहीं, अंतर बस ये है कि यहां जड़ रूप धारण कर लिया और यहां चैतन्य रूप धारण कर लिया। भगवान सर्वत्र हैं, भक्तों ने प्रकट कर लिया, जगह जगह से भगवान को प्रकट कर लिया। यहां भी भगवान है, मुर्दे में भी भगवान है। वहां अंतरहित हो गए, यहां चैतन्य प्रकाशित हो गए। मुर्दे से भगवान को प्रकट किया, वेन के शरीर से महाराज पृथु के रूप में भगवान का अवतार है पृथु। ये सर्वत्र भगवान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। लेकिन हम ऐसा नहीं भाव रखते, ये मैं हूं, ये जड़ है जड़, तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, तुम परमात्म स्वरूप हो। भाई नहीं समझ पा रहे, बोले भगवान ने मुझे फंसा दिया। अरे तू खुद फंस गया, तू खुद फंस गया, किसी ने तुझे नहीं फंसाया। और जब तू छूटेगा तो कोई और नहीं बचेगा, तू ही तू होगा। ये पहेली है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, एक ही रह जाएगा, वही है वही। चाहे उसे ब्रह्म कहो, चाहे उसे आप चैतन्य घन आत्मा कहो, वही है। अपना संबंध जिस जिस से तुमने मान लिया उसमें तुम फंस गए। स्वीकार करते हो कहां फंस गए? आपको लगता है बड़ा सुख मिल रहा है संबंधों में, इसी से तुम्हारी दुर्गति हो रही। एकमात्र भगवत भाव रखकर, अन्य संबंध नहीं, भगवत भाव। और व्यवहार वैसे ही करो जैसा व्यवहार कर रहे हो। पत्नी के साथ पत्नी जैसा, पुत्री के साथ पुत्री जैसा, पुत्र के साथ पुत्र जैसा। व्यवहार में वही, भाव में आपके अंतर्गत रहे सब में मेरे प्रभु है। जब वो अंतर ध्यान हो जाते तो इस शरीर को कोई नहीं रख पाता, जला दिया जाता है। अपना संबंध जितना तुम फैला दोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। भाई फैलाओ, इतना फैलाओ कि कोई संसार में ना रह जाए हमारे संबंध के सिवा। वो होगा भगवत संबंध। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। फैलाओ, लेकिन नहीं बस चार हमारे, ये हमारे, बस। अब इन हमारे की रक्षा के लिए और हमारे के सुख के लिए अगर हमें दूसरे के साथ कितना भी गंदा करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुखद करना पड़े, पापाचरण शुरू। फंसता चला गया। वास्तव में तुमने जिन जिन से संबंध माना है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, आप गौर से देखो वो क्या सदा रह पाएंगे? क्या तुम्हारा संबंध स्थायी है? क्या ये सदा तुम्हारे पास रह पाएंगे? वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो आपके हृदय से निकलेगा नहीं, क्योंकि पीछे से देखते चले आ रहे हो। न तुम्हारा शरीर एक जैसा रहा, और ना एक जैसा कोई तुम्हारा शरीर संबंधी रहा। कोई भी पदार्थ है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है, कोई भी शरीर है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है। एक समय नवीन अवस्था मुच्छ भी नहीं निकली थी, फिर मुच्छ निकली, फिर वो सफेद हो गई, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये अवस्थाएं बदल रही, ये नाशवान है। तू एक रस है, जब तू बालक था तब भी तू जानता था इस शरीर को, जवान हुआ तब भी जानता था, बूढ़ा है तब भी जानता है, और शरीर छोड़ेगा तब भी जानेगा। तो अभी जान लो कि शरीर तुम्हें छोड़ेगा, इससे राग मत करो। जब तुम्हारा ही शरीर तुम्हें छोड़ देगा तो और शरीरों की तो बात ही क्या। परंतु मोह के कारण ये दृष्टि नहीं हो पा रही है। अनेक प्रकार के नए नए संबंधों में वो सुख भोग रहा है, सुख खोज रहा है। अधिक से अधिक संसार के भोग मुझे प्राप्त हो जाएं, ये है मोह, मोह रूपी दलदल। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, बिना मोह गए भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। ये मोह बहुत बड़ा दलदल फंस गए। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने को भूल गया और बीच में मनोरंजन में फंस गया, बस ऐसी हमारी दुर्दशा हो गई। एक राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रजा को ऐलान कर दिया, कल हम एक बाजार लगवाएंगे, उसके आखिरी में बैठेंगे और संध्या होते होते जो हमारे पास पहुंच जाएगा उसे राज सिंहासन पर बैठा देंगे। अब तो पूरी प्रजा उत्साहित होकर सुबह से चली, पर बाजार में सब फिरे, खान पान नाच गाना दुनिया के सब भोग सामग्री। तो सबके मन में है कि अभी तो सुबह है, शाम तक पहुंचना है, सब फ्री है, खा लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, भोग लेते हैं, सब भोग फ्री। और भोगों में ऐसी आसक्ति होती है कि और भोग लूं और भोग लूं। शाम हो गई, पहुंचने वाली बात ही भूल गए कि मुझे राजा के पास पहुंचना था। एक आदमी, बस मुझे केवल राजा के पास पहुंचना है। जीव ही बाजार से गुजरा, बहुत से आकर्षण और बहुत से उसे आवाहन कर रहे थे, आओ सुख भोगो। उसने नहीं, मुझे आज पहले सिर्फ राजा से मिलना है। नेत्र नीचे किए और जाकर के राजा से मिल गया। राजा ने उसे अपने समान सिंहासन पर विराजमान किया। ये क्या दृष्टांत है। भगवान ने हमको मानव देह देकर कहा, जीवन की शाम होते होते यदि मुझे प्राप्त हो गए तो मैं सायुज्य सारूप्य सारिष्ट सामिप्य जो मोक्ष चाहोगे मैं प्रदान कर दूंगा। अब आ गई माया की बाजार हमारे सामने, आओ मनोरंजन करो। अब ऐसा मनोरंजन में फंस गए कि जीवन की शाम पता नहीं किस मिनट में हो जाए। भूल गए कि हम किस लिए आए थे, भूल गए हम किस लिए आए थे। आए थे कि सावधान होकर सब में भगवत भाव करते हुए, हर संबंध को प्रेम देते हुए, सबकी सेवा करके और अपने शाम होते होते जीवन की भगवान तक पहुंच जाएं। शाम कभी भी, आखिरी श्वास हमारी शाम हो सकती है। हमारे जीवन की शाम के लिए सूर्यास्त का नहीं, श्वास अस्त से है। जितनी श्वासें बस उतने ही चले गए, अन्यथा खिलौना बंद हो जाएगा। ए भाई, कोई भी श्वास आखिरी हो सकती, इसलिए हर श्वास में हमारा लक्ष्य हमारे साथ है, राधा राधा राधा। हमारे शरीर में इतनी प्रियता हो गई और शरीर संबंधियों में इतनी प्रियता हो गई कि हम भूल गए कि हमें मरना है। हम भूल गए कि इन संबंधों में जो आया है मरना है। देखो ना, भूल गए। गांव में देखा, जब कोई पधार जाता है और परिवार के रोते हैं तो बहुत से बड़े बूढ़े और माई दाई आके बैठती और समझाती, रो मत, सबको जाना है। कितना बढ़िया ज्ञान है, सबको जाना है, यहां कोई टिकेगा नहीं। और अभी तो तुम्हारे दो लड़के हैं ना, इन्हीं से तसल्ली करो। शांत, इतना बढ़िया ज्ञान है कि सबको जाना है। और फिर जब सौ उठाते हैं तो गाते हैं, राम नाम सत्य है। कितना मंगल वचन निकल रहा है। पकड़ लो भाई, सबको जाना है और सत्य सिर्फ भगवान का नाम है। नहीं पकड़ेंगे, बुरा मानेंगे अगर और समय में बोल दिया जाए कि राम नाम सत्य है। नहीं बोलेंगे, मतलब किसी को बारात जा रही है और बोल दे राम नाम सत्य। बोलो क्या गलत उसमें बोला है, राम नाम सत्य है। अगर ये हर समय बोल दिया जाए तो हमें लगता है लोग पीट देंगे। ये तो सिर्फ मरने क्योंकि सुन नहीं सकता ना जो मरा है, अब उसको राम नाम सत्य। ये जिंदा बोलो, जिंदा में बोलो राम 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 राम, यही सत्य है। हरि 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 हरि। बस मोह के कारण समझ में नहीं आता। कई जन आते हैं कि हम जब भजन करते हैं तो हमारा पूरा परिवार खिलाफ हो गया है। ये समझो क्यों खिलाफ हो गया। आप कभी गलत आचरण में गए, खिलाफ हुआ। समाज को उसका विरोध करना चाहिए, जिस विरोध से भयभीत होकर वो अच्छे मार्ग में चले। पर नहीं, वो अच्छे मार्ग का क्या परम सत्य मार्ग को ग्रहण कर रहा है। तो ये पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन है, ऐ उपासक सावधान, पूरी सृष्टि में भगवत मार्ग में चलने वाले को सिर्फ भगवत मार्ग में चलने वाला महात्मा या गुरु भगवान, इनके सिवा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, विश्वास कर लो। हाँ, अगर कोई सपोर्ट देगा तो हमारी स्मृति का कारण बन जाएगा, और हमारी स्मृति हरि से छूटी तो कहां सपोर्ट हुआ, ये तो विरोध ही हो गया ना। इसीलिए हम वंचित रह जाते हैं भगवत प्राप्ति से, इसी मोह दलदल को सत्य मान करके। हमें तो इनमें फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा होश ही नहीं रह जाता, नहीं रह जाता ऐसा होश। भगवान के सामने भी जा करके हम फंसना ही मांगते हैं, मुक्त होना नहीं। कोई बिरले हैं कि प्रभु के मंदिर में जाकर खड़े हो कि नाथ त्राहिमाम, मुझे संसार से मुक्त कर दो प्रभु, मुझे अपना भजन दे दो, मैं रात दिन आपके लिए रोऊं तड़पूं, ऐसी भक्ति दे दो। कोई बिरला। नहीं तो भगवान से हम यही मांगते हैं कि ये फांसी और जोर से दृढ़ कर दो। अरे फांसी मांग रहे थे तुम, क्या तुम मोक्ष मांग रहे थे? क्या तुम प्रेम मांग रहे थे? क्या इस संसार से मुक्त होना मांग रहे थे? और ये मांग लो तो मांगना ही नहीं पड़ेगा, सब मांगे अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें हम आंतरिक बात कहते हैं। एक को प्राप्त कर लो, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। जब जहां जो आवश्यकता होगी वो स्वयं योगक्षेमम वाहम में हम हरि करेंगे। ये मोह रूपी दलदल से तरने का उपाय संत संग से प्राप्त विवेक वर्णन करें। दूसरा उपाय नहीं, बिनु विवेक मोहन का नाश नहीं हो सकता, पक्का समझ लो, पक्का। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, ये केवल सत्संग से मिलता है। अगर सत्संग न मिले तो विवेक जागृत होता ही नहीं। बड़े क्यों में होते रहते हैं, बड़े क्यों में चलते रहते हैं। ऐसे जैसे दूर से सत्संग सुनते हैं तो उनको बड़ा संशय, और जब सामने यहां बैठे होंगे तो ये परमाणु है। यहाँ भागवतिक परम धाम वृंदावन है, और नित्य यहाँ भगवत चर्चा, वाणी की गायन और निरंतर अखंड नाम कीर्तन, तो यहां तुम्हारे संशय रह ही नहीं जाएगा। अगर यहाँ समझ रहे हो ना आप, तो आपको समझना पड़ेगा, हाँ जी समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय का वायुमंडल है और आप जहां हो वहां का वायुमंडल है। अच्छा, जो बात हुई उसको पकड़ने की सामर्थ्य नहीं है। अब उस बात को ना पकड़कर 100 प्रकार के संशय खड़े हो जाते हैं। पहला, बिना साधु संग के किसी के हृदय में यही नहीं आता कि हम फंसे हैं, यही नहीं आता कि हम फंसे। वो जहां फंसा है वही अच्छा लग रहा है। एक नाली का कीड़ा मार्ग क्रॉस करके दूसरी नाली में जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने देखा कि वो बड़ी रफ्तार से ऐसे रेंग रहा था। वो सब भाषाओं का ज्ञान रखते थे, भगवान के अवतार। तो उन्होंने उसकी भाषा में कहा, क्यों भाई तुम इतनी रफ्तार से क्यों चल रहे हो? तो बोले, तुम्हें बैलगाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? वो आएंगे और मुझे रौन देगी, मैं मर जाऊं। तो बोले, तुम्हारा शरीर तो नाली का कीड़ा है, अरे इसको नष्ट हो न जाने दो, दूसरा शरीर हम और अच्छा दिलवा देंगे, क्योंकि अब तुम हमसे मिल गए हो। उसने कहा, तुम्हें जो कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर है ना, ये जितना प्रिय है ना, उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। ये महाभारत की कथा है। उनका, एक बार मेरे कथन में आ जा, तू शांत हो जा, इस शरीर को छोड़, मैं देख तेरी उन्नति कर। बड़ा प्रसंग है। अंततोगत्वा उन्हें भगवत प्राप्ति कराई। बिना संत संग के विवेक ही नहीं होता, और बिना विवेक के हमको संसार से मुक्त होना ये बात ही नहीं आती। कोई संत महात्मा ऐसा जादू तमाशा कर दे कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। किसी भगवान के ऐसे मंदिर का परिचय बताओ जहां जाने से कामनाओं की पूर्ति हो जाए, और कामनाएं वो भी फंसाने वाली, बांधने वाली। बड़ा विचित्र खेल। अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो सच्ची मानो आपको भगवान ने वो दिया है जो तुम्हारे कर्म से तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि सत्संग जो है ये भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न हो, यो राम कृपा बिनु। आप जो पैर बढ़ाकर इधर आए हो ना सत्संग में, ये अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे या मार्ग सोई। हरि की बड़ी कृपा हुई तब आप इधर खींच के आए हो, नहीं तो ये मोह दलदल आने नहीं। कितनी कृपा है। हम तो यही देख रहे हैं कि मेरी महारानी जी की आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी कृपा है। वहां से लेके यहां तक ऐसी माई बहन बच्चे बूढ़े सब रात्रि का 2:30 बजे का समय अपना सोना शयन करना छोड़कर कष्ट सहकर धक्के सहकर किस बात के लिए खड़े हैं। एक चाय भी तो नहीं मिलेगी हमारी तरफ से, बस ऐसे एक सेकेंड ऐसे निकलना। कितना बड़ा अनुराग। ये क्या हुआ? ये मेरी प्रियाजू ने घसीटा आपको, प्रियाजू ने कृपा कर दी। क्या मिलता है आपको? सत्संग में बैठे हो तो बातें मिल रही भगवत मार्ग की, उनको तो बातें भी नहीं मिलती। इतनी अपार भीड़, बस यही लग रहा था कि प्रियाजू इन पर कैसी कृपाल है। हमारे दर्शन करने इसलिए नहीं, जहां तुम प्रवेश करके आए हो ये वो सीमा है जहां की रज को जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। आप इस महामहिम धाम में, और जैसे भी हैं लाडली जी के बिके हुए दास हैं, आप उनके संबंधी को देखने आए हैं, आप उनके महल में आए हैं। बलिहारी आपके भाग्य की बदल गया, निश्चित समझना। आपको ये जो पीड़ा, जो धक्के बुक्के मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े धक्कों को काटने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, बस सतमार्ग जो श्रवणेन्द्री में जा रहा उसे पकड़ लीजिए। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे यह मार्ग सोई। बड़ी कृपा होती है तब ये अवसर प्राप्त होता है जो आप लोगों को प्राप्त है। यह लाभ शंकर माना, उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। भगवान शिव बोल रहे ज्ञान समुद्र, अगर साधु का समागम मिल गया इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यहां वर्णन कहते हैं मोह नष्ट करने के लिए 2 उपाय। सबसे पहला उपाय संत समागम, जिससे हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, विवेक ही मोह का नाश करता है। और दूसरा उपाय सबकी सेवा भगवत भाव से। ये देखो 2 उपाय लिखे गए हैं। पहला संत समागम जिससे प्राप्त होता है ज्ञान विवेक, दूसरा सब में भगवत भाव करके सेवा कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, कर्म योग बन जाएगा, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे। पाप और पुण्य दोनों, पीछे सुन चुके हो, पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है जो कर्म योगी होता है। विवेक सत्संग से रोज तेज होता रहता है। जैसे छुरी को जब पत्थर पे रगड़ते हैं तो उसमें शान आ जाती है, ऐसे बुद्धि को जब सत्संग में लगाते हैं, प्रश्न उत्तर श्रवण में लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि मानो तीखी धार वाली बन जाती है। अब वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, देखो कोई साधना नहीं, सत्संग सुना और जब आकर के वो बताते हैं कि हमने आजीवन के लिए इतने महीने हो गए शराब पीना मांस खाना ये सब गंदे कार्य छोड़ दिया हूं, राधा राधा जपता हूं, तो हमारा हृदय उनके चरणों में प्रणाम करता है। धन्यवाद आपको, आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने बात मान ली। देखो बात मिल वो अब 6 महीना बाद रहे हैं और उनका सुधार 6 महीने पहले से हो गया। क्या हुआ? उन्होंने श्रद्धा विश्वास करके बात मान ली तो बात ने उनको उठा दिया। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है, धार वाली हो, हर विकार को काटना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज हो जाती है कि असत विषयों को काट के रख देती है, रुचि ही नहीं रह जाती गंदे आचरणों की। और जब हम दूसरे की सेवा करते हैं ये धुन हमारे अंदर फंस जाती है कि हमको अब सुख पहुंचाना है, सुख लेने की भावना नहीं रखनी, क्योंकि मेरा ही प्रभु सब रूपों में है। तो सुख आराम का त्याग करने की जो भावना आई उसे भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देती है। उसके अंदर ऐसा भाव बनने, हमारे सिद्धांत में भी लिखा है, प्रेम सिद्धांत है, उसमें लिखा सुख देवे को चावचित सबसो हित निष्काम या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम चल रहा है या वाणी गायन कर रहे हैं और अंदर से सबके प्रति भगवत भाव रखकर सेवा कर रहे हैं, इससे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इससे प्रियालाल मिल जाएंगे। तो हम दो बातें, खूब सत्संग सुने, अपनी बुद्धि को तीव्र विवेकवान बनाए और दूसरों की सेवा भगवत भाव से करें और खूब नाम जप करें, तो इसी जन्म में हम परम सुखी हो जाएंगे, हमारे सारे दुख पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।